मैनू सौ लगे तेरी कुछ करदा नहीं हाइड तेरे सामने नीजे इस बारी भी तू मैनू ना करती नी मैं कर जू साइड तेरे सामने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो UPSC में आई हुई है, जिसमें टोटल पोस्ट 414 है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको सीखे से भी डिटेल देने वाला हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं UPSC रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2017 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लोक संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें टोटल पोस्ट है वो 414 पोस्ट है टोटल, जिसमें पोस्ट डिटेल है कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100 है, इंडियन नेवी एकेडमी के लिए 45 है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 225 है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई 23, SSC वुमेन नॉन टेक्निकल के लिए 12 है। जिसमें आपसे एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इंजीनियरिंग डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना आवश्यक है, वो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हुई हो। जो एज होना चाहिए वो 20 से 24 ईयर होना चाहिए, कम से कम 20 ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा 24 ईयर तक चल जाएगा। जो उसकी पे सैलरी जो फी है इनकी फॉर्म फी है, तो OBC और जनरल के लिए 200 रुपये है, अदर के लिए इसमें कोई फीस नहीं है। वुमेन SC ST के लिए इसमें कोई फीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, वो फ्री है, अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन मोड रहेगा, रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट इसमें होगा। रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें लिया जाएगा, 3 स्टेज है। जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है वो 4/12/2017 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन फॉर्म है। हाउ टू अप्लाई, आप इसे किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, 4/12/2017 से आप इसको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इसके लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक है, वहाँ आपको 300 हैं क्लिक है, तो डाउनलोड करने के नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने PVD फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें आपको सभी डिटेल मिल जाएगी कि जहाँ जहाँ जिस राज्य में जो सेंटर लगेगा, एग्जाम सेंटर लगेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको सभी डिटेल मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक है, टू अप्लाई ऑनलाइन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में करना होगा, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आना होगा, ये इनकी डिटेल है, ये टर्म एंड कंडीशन ये पढ़ने होंगे, और आप इसके बाद आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नेम, जेंडर नेम, आपको इस प्रकार से सभी डिटेल आपको भरनी है, इस प्रकार से आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम पर डे इस चैनल पर 2 या 3 वीडियो अपलोड करते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड कुड़ियां यार करतियां साइड तेरे सामने, नीजे इस बारी भी तू मैनू ना करती नी मैं कर जूस साइड तेरे।